नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकॉम्बिनेशन नेट्रम सल्फ 6X 3X या 12X के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि दवाई कहां काम आती है, किन रोगों में और किन लक्षणों में पेशेंट्स को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो नेट्रम सल्फ का काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। हम जानेंगे कि किन बीमारियों में और किन लक्षणों में दवाई दी जाती है। सबसे पहले हम सांस के रोगों की बात करें तो जिन लोगों में सांस की तकलीफ होती है, खास तौर पर डैम्प वेट वेदर में यानी बरसात के दिनों में ह्यूमिडिटी के कारण उन लोगों में सांस की परेशानी आनी शुरू हो जाती है या निमोनिया हो जाता है, निमोनिया के केस में भी बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा ये दवाई अस्थमा के केस में भी दी जा सकती है। अस्थमा खास तौर पर अगर रेनी वेदर में बरसात के दिनों में बढ़ता हो तो ऐसे लोगों में ये दवाई देने से पेशेंट को अस्थमा में काफ़ी राहत मिलती है, सांस लेने में जो तकलीफ हो रही है उसके कारण। या फिर पेशेंट को कई बार खांसी हो जाती है, बरसात के मौसम में अगर खांसी हो गई हो तो उसको ये दवाई ठीक करती है। इस दवाई को लीवर और किडनी से संबंधित रोगों में भी दिया जा सकता है। लीवर के रोगों की बात करें, लीवर डिजीज की बात करें तो ये दवाई जॉन्डिस में दी जाती है। जॉन्डिस में अगर पेशेंट्स को कमजोरी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो, येलोइश स्किन हो गई हो और गैस बहुत ज़्यादा बनती हो पेशेंट को, ऐसे लक्षणों में ये दवाई दी जा सकती है। इसके अलावा डायरिया में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है, खासतौर पर बरसात के दिनों में जब पेशेंट को सुबह के समय बरसात के दौरान या फिर ह्यूमिडिटी के कारण डायरिया बार बार लगता रहता है, डायरिया में बहुत असरदार रहती है। पेट में क्रैम्प्स या पेन देखने को मिलता हो तो इन सब में ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, ये दवाई किडनी और पेनक्रियास के रोगों में भी दी जा सकती है। पेशेंट को अगर शुगर की परेशानी हो यानी डायबिटीज की शिकायत हो जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता हो तो ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई टॉक्सिन्स को भी हमारे शरीर से बाहर निकालने में मददगार रहती है। तो ये दवाई कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे शरीर से कम करती है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल में दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा यूरिक एसिड बढ़ने पर भी ये दवाई हम पेशेंट को दे सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ने पर पेशेंट को शरीर में कहीं भी दर्द होना और गठिया बाई का दर्द होने पर ये दवाई पेशेंट को हम दे सकते हैं। यूरिक एसिड को भी कम करती है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। पेट से संबंधित रोगों में भी दी जा सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डायरिया में ये बहुत असरदार रहती है। इसके अलावा पेट दर्द में दी जा सकती है, गैस बनने पर दी जा सकती है, खासतौर पर बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी के कारण ज़्यादा खाना खाने से या इनडाइजेशन होने से अगर पेशेंट का पेट बार बार खराब होता रहता है, पेट में दर्द बनती रहती है या फिर पेशेंट को गैस बहुत ज़्यादा बनती है, इसमें बहुत इफेक्टिव रहती है। ये सब परेशानियाँ अगर आपको है और ख़ासतौर पर बरसात के दिनों में आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि क्या आपके लिए नेट्रम सल्फ सही रहेगी, इसकी कौन सी पोटेंसी आपके लिए सही रहेगी और उसकी क्या डोज लेनी चाहिए, क्योंकि सभी पेशेंट को अलग पोटेंसी दी जाती है, अलग पावर दी जाती है और अलग डोज दी जाती है। पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, केस टेकिंग करने के बाद ही पता लग पाता है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।